रणभूमि में अब बात मिडल ईस्ट में हो रहे युद्ध की। रूस ने ईरान को ब्रिक्स में बुलाया है। इधर इसराइल के साथ उसका विवाद चरम पर है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था को उसके परमाणु स्थलों के खिलाफ इसराइल के खतरे के बारे में चेतावनी भी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ईरान ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था को उसके परमाणु स्थलों के खिलाफ इसराइल के खतरों के बारे में जानकारी दी है। एटमी ठिकानों पर हमले पर ईरान की चेतावनी लगातार ईरान ये चेतावनी दे रहा है कि अगर कोई कदम उठाया तो वो कदम हमारा भी आगे बढ़ेगा और खतरनाक हो सकता है। हमारा वो कदम बार बार चेताते हुए ईरान नजर आ रहा है। तो एक तरफ इसराइल ईरान से भिड़ा हुआ है तो वहीं उसका दोस्त अमेरिका उसे धोखा देता दिख रहा है। अमेरिका से इसराइल के खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं और इन दस्तावेजों में ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट है कि इन्हें 18 अक्टूबर शुक्रवार को टेलीग्राम पर मिडल ईस्ट स्पेक्ट्रेटर के नाम के चैनल ने पोस्ट किया। इन डॉक्यूमेंट पर टॉप सीक्रेट और 15 और 16 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई है। इस तरह से डॉक्यूमेंट का लीक होना अमेरिका के लिए गहरी चिंता का विषय है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के लिए है कि सभी देश खुफिया नेटवर्क 5 आईज का हिस्सा है। ईरान ने इसराइल पर 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों से हमला किया था। इसके बाद इसराइल ने पलटवार करने की बात कही थी। इसराइल के प्लान को बेपर्दा करने के पीछे क्या अमेरिकी चुनाव का भी एंगल है? सब जानते हैं कि जो बाइडेन लगातार नेतन्याहू पर ईरान पर बड़ा हमला न करने को लेकर दबाव बना रहे हैं और इसी बीच वहीं से डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। ईरान पर हमले के लिए तैयारी में जुटा इसराइल, खुफिया दस्तावेज के मुताबिक इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें से एक दस्तावेज के मुताबिक हमले के लिए इसराइल ने हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इन दस्तावेजों को नेशनल जियोस्पेक्टिकल इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया। एक दूसरे दस्तावेज में इसराइल की वायुसेना के अभ्यास से जुड़ी हुई जानकारियां हैं। इसमें हवा से जमीन पर मार्क करने वाली मिसाइलों के टेस्ट से जुड़ी जानकारियां हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये युद्ध अभ्यास ईरान पर हमले की तैयारी का हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि पेंटागन के खुफिया दस्तावेज तक किन किन लोगों की पहुंच थी। इससे अमेरिका और इसराइल के बीच भविष्य में रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है और दोनों देशों के संबंधों में विश्वास एक प्रमुख आधार है। इस लीक से ये विश्वास कमजोर हो जाता है। तो प्लान लीक हो जाने के बाद अब इसराइल को नया प्लान बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खबर है कि जल्दी नेतन्याहू मंत्रिमंडल की बैठक करने जा रहे हैं। इसराइल जहां ईरान पर हमले का अभी प्लान बना रहा है, इस बीच नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले ने माहौल को और गर्मा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी दूतावास ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हत्या के प्रयास की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावा किया कि इसके पीछे हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला ने शनिवार को इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होम टाउन सेसेरिया में ड्रोन अटैक किया। इस ड्रोन अटैक में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सीरिया की एक इमारत पर गिरा और कोई हताहत नहीं हुआ। इसे लेकर नेतन्याहू ने एक पोस्ट में कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश हिजबुल्ला की बड़ी गलती है। इसराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। इसराइल ने व्हाइट हाउस को लेबनान में युद्ध के खात्मे के लिए अपनी मांगों के बारे में बताया, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड लेबनान की वायु सीमा को लेकर है कि इसराइल को कार्रवाई की स्वतंत्रता हो, यानी वो जब चाहे तब कार्रवाई कर सके। इसके अलावा हिजबुल्ला फिर से हथियार ना उठाए, उसके लिए उस पर कार्रवाई की छूट मिले। लेबनान में कार्रवाई की आजादी मिले, इसराइल की तरफ से ये बात कही जा रही है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, हिजबुल्ला फिर से हथियार ना उठाए, उसके लिए उस पर कार्रवाई की छूट मिले। उधर अमेरिका की धोखेबाजियों के बावजूद इसराइल अपने मिशन पर जुटा है। उसने कहा है कि वो लेबनान में हिजबुल्ला की मदद करने वालों को वो आगे निशाना बनाएगा।
सीधा मैसेज इसराइल की तरफ से ये नजर आता है, जिसमें वो कह रहा है कि जो भी हिजबुल्ला की मदद करेगा वो आगे अब निशाने पर होगा। तो इजरायली हमलों में एक के बाद एक हिजबुल्ला नेताओं के मारे जाने के बाद उसका डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम लेबनान से भाग गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि वो मारे जाने से बचने के लिए ईरान में जाकर छिपा हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरानी नेताओं के आदेश के बाद उसने ये कदम उठाया है। इजरायली हमले में हसन नसरुल्ला और हाशिम सफदीन समेत हिजबुल्ला के शीर्ष नेता जो है वो मारे जा चुके हैं, और ये माना जा रहा था कि कासिम इसराइल का अगला लक्ष्य हो सकता है। दुबई के मीडिया आउटलेट एरम न्यूज ने ईरानी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विदेश मंत्री के विमान से ले जाया गया था। तो कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होने की अपील की गई थी। ईरान की तरफ से इसराइल का साथ देने के बदले में हमले की धमकी भी दी थी, लेकिन इन धमकियों के बावजूद टीवी ने एक वरिष्ठ इजरायली स्रोत से जानकारी प्राप्त की, जिसमें कहा गया कि खाड़ी देशों ने इजरायल को संदेश भेजकर ईरान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को सख्त और स्पष्ट करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अरब देशों, खासतौर पर खाड़ी देशों ने सीरिया और लेबनान में हाल के इजरायली हमलों के लिए अपनी सराहना और समर्थन व्यक्त किया है। सीरिया में कुदस फोर्स के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी और हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरुल्ला की हत्या की प्रशंसा की। अलहुर्रा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार दरअसल ये भी संकेत मिलता है कि इसराइल ईरानी हमले के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को मध्य पूर्व में अपनी ताकत प्रदर्शित करने और तेहरान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खतरों का सामना करने का एक निर्णायक अवसर मानता है। इन कदमों के जवाब के में ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब और इराक समेत क्षेत्र के देशों की कई यात्राओं के बाद कहा कि उनके देश ने क्षेत्र में व्यापक युद्ध को रोकने के लिए जबरदस्त प्रयास किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध से डरता है। इसराइल ने हमास चीफ सिनवार से जुड़ा एक और वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में सिनवार गजा की एक सुरंग में परिवार के साथ जाता दिखाई दे रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक सिनवार का यह वीडियो पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले से पहले का है। इसराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में सिनवार 6 अक्टूबर की देर रात अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सुरंग में जाते हुए देखा जा सकता है। वे सभी बंकर में अपने लिए सामान लेकर जा रहे थे। इस बंकर को बाद में IDF ने खोज निकाला था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अब बेहद करीब है। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार चुनाव प्रचार पर निकले। इस दौरान ट्रंप मैकडॉनल्ड्स में काम करते दिखे। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है। Let's do it. Very good. And then you can hang that one right back over there. Thank you. And then we're going to grab our salt. Salt first. And then just one dump. No movement. Good, good, good. Right over. And then you're going to grab the fry scoop and just give it a twirl. Get it all that salt. तौलक अंदाज से यहाँ वोटरों को रिझाने की हर कोई कोशिश करता है। कुछ वैसे ही ट्रंप करते नजर आ रहे हैं।